नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस बिल में संशोधन को लेकर सरकार की तरफ जो है आप कह सकते हैं कि उनका झुकाव है, कह रही हैं कि संशोधन होना चाहिए, समय की डिमांड है कि बिल में संशोधन हो। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इसे लेकर सरकार पर जो है आप कह सकते हैं एलिगेशन लगा रही हैं और जो इसे लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो चुका है और ये नाम है अरशद मदनी का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मदनी कह रही है कि मुस्लिमों की अरबों की संपत्ति हड़पना चाहती है, वक्फ बिल पर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, शरीयत में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में अब क्या कुछ कह रही है अरशद मदनी, विस्तार से समझिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही, मुस्लिमों की अरबों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। मुसलमान हर नुकसान सह सकता है लेकिन शरीयत में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कहना है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का। यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि सरकार वक्फ की संपत्तियों के स्वभाव को इन संशोधनों से बदलना चाहती है ताकि उन पर कब्जा आसान हो जाए। बिल अगर पास हुआ तो वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करके अधिकार कलेक्टर के पास चले जाएंगे, इससे देश की न्यायिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, कलेक्टर राज शुरू हो जाएगा। मदनी ने कहा सरकार दावा कर रही है कि वक्फ से मिलने वाले पैसे को सरकार मुस्लिमों में बांटेगी। सरकार का यह फैसला धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है जो मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं बल्कि देश के संविधान, नियम और धर्म निरपेक्षता का मुद्दा है। जब से यह सरकार आई है, यानी बीजेपी की जब से सरकार आई है, अलग अलग बहानों से मुस्लिमों को अराजकता और भय में रखने के लिए नए कानून ला रही है। यह हमारे धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है। मदनी ने कहा कि मुसलमानों ने जो वक्फ किया और जिस उद्देश्य से वक्फ किया है, कोई भी वक्फकर्ता की इच्छा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये संपत्ति अल्लाह को समर्पित है। उन्होंने कहा कि चाहे यूसीसी हो, तीन तलाक हो या गुजारा भत्ता का मसला, सरकार ने जो है उसने भी हस्तक्षेप किया। हमें ऐसा कोई संशोधन स्वीकार नहीं जो वक्फकर्ता की इच्छा के विपरीत हो। जमीयत उलेमाए हिंद यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई ऐसा परिवर्तन जिससे वक्फ संपत्ति की स्थिति या स्वभाव बदल जाए या कमजोर हो जाए, यह हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये बात उनके द्वारा कही गई है कि इस तरीके की कोई भी चीज उन्हें स्वीकार नहीं है। अब लोगों के कॉमेंट भी जो है मामले पर सामने आ रहे, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है शरीयत से चलेगी, शरीयत में हम हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लोगों ने कमेंट में लिखा है कि शरीयत तो यहाँ चलेगी नहीं, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतंत्र से ही चीज़ें चलेगी, लोकतांत्रिक तरीके से ही जो है चीज़ चलेगी। और अगर आपको शरीयत चाहिए तो आप बांग्लादेश या पाकिस्तान जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत या तकलीफ की बात नहीं है। दूसरी चीज, जो अपने आप को माइनॉरिटीज कहते रहते हैं, आप देख सकते हैं बांग्लादेश में क्या स्थिति है माइनॉरिटीज की, हिंदुओं को किस तरीके से मारा जा रहा है। जो अपने आप को माइनॉरिटीज कहते हैं उन्हीं माइनॉरिटीज के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं और यहाँ की हम आपको सच्चाई बता के बता रहे हैं कि जो कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास जो हम इस तरीके से देखा जा रहा, हमें डर है, भय है, उनके पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं और ये माइनॉरिटीज हैं। तो एक माइनॉरिटीज के पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें कैसे हो सकती है? वक्फ बोर्ड के, आपने देखा कि वक्फ के पास इतनी ज़मीनें हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने पैसे हैं, इतने अरबों की संपत्ति है, कभी जो है किसी के त्रासदी में मदद करते हुए, कभी किसी चीज़ के लिए देश में अगर कोई प्रॉब्लम है, स्थिति है, तो उसमें आगे बढ़कर काम करते हुए नहीं देखा। तो ये पैसे, ये प्रॉपर्टीज़ किस काम के लिए है? देश के आप कह सकते हैं ऐसे भी चौंकाने चौंकाने मामले सामने आते हैं जहां पर एक पूरा का पूरा गांव तक वक्फ की ज़मीन बता दी जाती है। क्या ये सही है? जिस शरीयत की ये बात कर रहे हैं, भारत में जो विपक्ष लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या करके चिल्लाता रहता है, जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि शरीयत में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आखिर उन्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? उन्हें क्यों नहीं समझ आता है कि इस मामले को लेकर बोलना चाहिए? क्योंकि हर चीज़ एक राजनीति का हिस्सा बन चुकी है और हर व्यक्ति जो है इस मामले को लेकर राजनीति कर रहा है। सरकार जो कर रही है, सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है, इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, जिन्हें हक नहीं मिला था उन्हें हक मिलेगा। क्योंकि ये जो वक्फ की बात ये करते हैं, जो वक्फ की ज़मीन है, हम आपको बता दें कि ये 200 लोगों का एक कुनवा है जो इसे पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, पूरी तरीके से इसे पावर को होल्ड करता है, पूरी तरीके से सर्कुलेट करता है। तो बाकी लोगों का क्या?
अगर मुसलमानों में भी बात हो रही है तो वक्फ को लेकर जिस तरीके से एक मैनिपुलेट करने का ये काम करते हैं, 200 लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों को क्यों हक नहीं मिल रहा, महिलाओं को इसमें क्यों हक नहीं मिल रहा, इसकी कोई बात नहीं करता। लेकिन इस मामले पर राजनीति, इस मामले पर सियासत, इस मामले को लेकर अगर आप कहेंगे कि गोल मटल घुमा के मुद्दे से भटकाने का काम हर विपक्ष नेता और आप कह सकते हैं मदनी जैसे लोग जो है करते नजर आते हैं। दूसरा जो है, इस मामले पर लगातार जो है बयान, जैसा कि हमने आपको कहा कि बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है, इस मामले पर प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, तो इस मामले पर जो है मुहिबुल्ला नकवी समाजवादी पार्टी के नेता है, क्या कह रहे हैं? सुनिए सर। क्योंकि कमेटी में चला गया है, अब कमेटी में जो सुझाव रखे जाएंगे मैं समझता हूँ कमेटी उन पर गौर करेगी और उसको बेहतर तरीके से हल करने में, हम सब लोगों को हल करने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए, दुनिया में जितनी हुकूक तलफियां हुई हैं वो हक देने के नाम पे ही हुई हैं। हम कहते हैं कि अगर आप हक देना चाहते हैं तो आपको इससे खुले मंच से पहले ही सबको बुलाना चाहिए था। आपने मीटिंगों की डेटें लेते रहे, डालते रहे, लेकिन ना कभी अखबार में आया ना कोई आया। हम लोग शुरू दिन से पहले से ही जो है वो 2013 में भी जो अमेंडमेंट हुआ हम लोग उसमें भी जो है अपने सुझाव हमने पेश किए, इस दफा पूछा ही नहीं गया, हमसे पता भी नहीं चल पाया हम लोगों को। तो इसलिए जो है वो हमें खदशात थे, उन खदशात का इजहार सभी पार्टियों ने रखा और हमारी पार्टी जो है वो इसके सिलसिले में सुधार चाहती है और चाहती है कि किसी भी वर्ग को किसी भी राइट से जो उसे संविधान ने दिया है उससे वंचित न किया जाए। जैसा कि आपने उनको सुना ही, वो ऑलरेडी भी काफी कुछ जो है संसद में भी बोल चुके थे कि इस तरीके से नहीं ला सकते, कानून नहीं ला सकते हैं, जिस तरीके की वहाँ स्थिति है उस तरीके की ऐसी भी स्थिति यहाँ भी खराब हो सकती है, सारी चीजें उनके द्वारा कही गई थी। अब पीरजादा मेहरब सिद्दीकी अल कुरैसी पश्चिम बंगाल के जो है पीर के तौर पर उन्हें देखा जाता है, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। इसमें तो विस्तार बोलना पड़ेगा, मगर विस्तार बोलने का भी अभी तो मौका नहीं है, क्योंकि अभी जो नया बिल पेश आज जो आया है इसके ऊपर सिर्फ मैं नहीं, जो थोड़ा समझते इस बारे में उसका ही ऑब्जेक्शन रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। क्योंकि एक वॉकअप वोट, देखिए ये वॉकअप वोट पहले जो आए थे, हमने फर्स्ट टाइम जो वॉकअप का कानून पास किए गए थे 1954, उसके बाद आप बाद में 95 में इसमें सुधार ले आया, संशोधन हुआ है। फिर अभी नया जो आज का मुद्दा यह है कि बार बार एक कोशिश रहता है कि इसके ऊपर हमारे सरकार का अलग दखल अंदाजी हो। इस बार भी वो जो नया एक्ट आए हैं इसमें जिसका नाम दिए है यहां इसमें 44 संशोधन बिल पे 44 संशोधन ले आए गए और इसका जो संशोधन यूनिफाइड वॉकअप मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, इस बिल में 44 सुधार ले आया संशोधन ही ले आया। देखिए 1940 कानून का 40 धारा जो है एक्ट 40 के तहत ये वक्फ के ऊपर बार बार वक्फ जितनी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर जो भी सिद्धांत रहेंगे वक्फ के रहेंगे जो भी कुछ रहेगा, इसलिए अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए थे। अभी इसके ऊपर क्या होगा, जिला शासक का वो रहेगा, फिर इसके ऊपर हाईकोर्ट का पहले एक कमेटी लेके बहुत चढ़ाव उतार हुआ था, बहुत आंदोलन हुआ था, सब कुछ हुआ था। ये अभी जो नया एक्ट आया है ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ औलाद होता है वक्फ लिल्ला होता है, ये गलत बात है। कोई कोई मुस्लिम कहते हैं कि हमारे जमीन वो होते हैं इसलिए अधिग्रहण हो जाते हैं, इसलिए इसमें ये सदस्य में वो रहना चाहिए ये रहना चाहिए, जितने सारे इसमें बातें कहा गया है नेता लोग जो कहते हैं ये सब गलत बात है। एक ही बात है कि इसके ऊपर दखलअंदाजी हम लोग को होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग का मतात होना चाहिए। वक्फ धीरे धीरे हल्का हल्का करते 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 एक दिन वक्फ बोर्ड ही उठा देगा। अभी नया जो 44 सुधार ले आए हैं सिर्फ ये वक्फ बोर्ड खतरे में नहीं है, वक्फ बोर्ड के बाद जो हमारे प्रतिवेशी
देवत्व संपत्ति जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, इसके ऊपर भी सुधार आएंगे, क्योंकि अभी नया कोई मेरुकरण नहीं है वोट का। और आगे सामने दो राज्य में वोट है, ठीक वोट से पहले जो करना चाहिए वही अपने हिसाब से ये लोग करते जा रहे हैं। ये जो नया एक्ट आए हैं, इसके ऊपर बहुत विरोध आंदोलन, बहुत मूवमेंट देखिएगा शुरू हो जाएगा। फिर एक नया अस्थिरता के अंदर पर्टिकुलर उसी कौम को फिर धकेल दिया है। जैसा कि आपने उनको भी सुना, उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें जो है समय के साथ परिवर्तित हो रही है, समय के साथ जो है इस तरीके से देखा जा रहा है इसको, तो इसमें कोई संशोधन या चीजें अपने हिसाब से नहीं लाया जा सकता है, ये ठीक नहीं है, ये सलिवातन के द्वारा कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।